Good morning, class 6 students. Today we are in our next chapter, chapter number 6, exercise 6.2. In our last class, we have learned about integers and how to plot integers on number line. Right? So, this is the continuation class of last class. देखिए अगर लास्ट क्लास में किसी को कुछ डाउट हो रहा है इसीलिए एक्सरसाइज 6.2 का आंसर भी देख लीजिए ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर हु इज 3 मोर देन 5. वेयर इज योर 5 दिस पॉइंट 3 मोर देन. क्या सीखे थे हम लोग? मोर देन बोलने से राइट साइड में आगे बढ़ेंगे तो 3 मोर देन 5 कितना आगे बढ़ेंगे? 3 बार 5, 6, 7, 8 ठीक है. तो क्या लिखेंगे? 3 more than 5 इस तरह से नंबर लाइन बनाइए और प्लॉट कर दीजिए. इसमें मैं एक ही नंबर लाइन में हर एक को कर दूंगी ठीक है. बट आप लोग अलग अलग से नंबर लाइन बनाइए और अलग अलग से करिए. एग्जाम में एक नहीं तो दो ही आएगा. बट यू हैव टू प्रैक्टिस all because of your clarification. So your answer will be 8. Next देखिए 5 more than -5. तो first हो गया question का answer 8. Second 5 more than -5. -5 यहाँ पर है. इसको और आगे बढ़ा देते हैं. यहाँ पे है -5. 5 more than. More than means right side आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे है 5 more than -5. आगे जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है. कहाँ आ गया? 0. क्वेश्चन नंबर 3 6 less than 2. 2 कहाँ में? यहाँ पर 6 स्टेप आगे जाएंगे पीछे जाएंगे सॉरी लेस देन मीन्स पीछे जाना है. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ आते हैं? -4 में. क्वेश्चन नंबर 4 3 less than -2. -2 तीन बार लेस करो बोला है. 1, 2, 3, -5 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 यूज नंबर लाइन एंड एड द फॉलोइंग इंटीजर्स. नंबर लाइन यूज करो और इसको प्लस करो. 9 plus -6 9 plus -6 -6 है किधर जाएंगे? पीछे जाएंगे. कितना? -6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 आंसर इज 3 ए. अच्छा ए बी में लिखा था ठीक है. ए बी सी डी. नेक्स्ट 5 plus -11 व्हाट इज 5? -11 11 टाइम्स पीछे जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 -6 -1 plus -7 -1 -7 माइनस होने से पीछे जाते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आंसर इज -8. देखिए अभी शायद बाकी 2-3 जो है इसको आप लोग कर सकते हो ठीक है. ई को भी कर ही देते हैं -1 ठीक है. ये पॉइंट प्लस -2 दो बार जाएंगे. एक बार दो बार गया. प्लस -3 तीन बार जाएंगे. 1, 2, 3 -6 ठीक है. देखिए नंबर लाइन में छोटा क्लास में आप लोग जैसे सीखे थे ना ऐसे एरो एरो बनाना इस तरह से करिए. अगर आप एरो में कंफर्टेबल है तो और डायरेक्ट भी कर सकते हैं ठीक है. क्योंकि बड़ा क्लास में आप लोग ये तो बचपन में करके आया है ना इसको जरूरी नहीं है एरो डालना. फिर भी अगर आप इफ यू वांट देन यू कैन राइट इन एरो ठीक है.
वन से शुरू होके यहाँ आ गया, कितना आया माइनस टू, फिर माइनस थ्री, यहाँ से लेके तीन बार माइनस थ्री, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए विदाउट नंबर लाइन, लास्ट क्लास में इसको भी सीखे थे, विदाउट नंबर लाइन इसको बनाना है। तो इसके लिए हम लोग रूल्स सीखे थे, प्लस इनटू प्लस, प्लस होता है प्लस इनटू माइनस, माइनस होता है माइनस इनटू प्लस, माइनस होता है माइनस इनटू माइनस, प्लस होते हैं, ठीक है। इसको यूज करके अभी सॉल्व करेंगे, 11 प्लस इनटू माइनस माइनस 7, 11 माइनस 7 4, माइनस 10 प्लस इनटू प्लस प्लस 19, माइनस 10 प्लस 19 9, माइनस 3 18 प्लस इनटू माइनस माइनस 2 70, प्लस करिए 0, 8 प्लस 7 5 6, माइनस 6 50। ये भी बोला है सम करो। अभी देखिए ये 380 के लिए 270 के लिए नंबर लाइन बनाना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको विदाउट नंबर लाइन में ही करना है। आप लोग का एग्जाम नंबर लाइन के साथ भी आएगा, फॉर स्मॉल डिजिट नंबर, फॉर लार्ज डिजिट नंबर विदाउट नंबर लाइन के साथ आएगा, ठीक है। एंड ये क्लास 6 में खत्म है और ये होल लाइफ आपको कंटिन्यू करना है, तो इसको अच्छे से सीखिए। 137 इसीलिए एक क्लास को मैंने दोबारा कराया, क्योंकि आप लोगों के लिए ये नया है एंड इन फ्यूचर इट विल बी इफेक्टिव फॉर मेनी टाइम्स। प्लस इनटू माइनस माइनस 154, कैलकुलेशन खुद से करिए, ठीक है। माइनस 312 प्लस 39 प्लस 192, तो देखिए ये प्लस दोनों जो है ये दोनों पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, करते हैं 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 हो गया। अभी देखिए 312 प्लस 231, कैलकुलेशन करिए, रिजल्ट माइनस में मिलेगा, क्योंकि बड़ा नंबर के साथ माइनस है, ये भी रिजल्ट माइनस में मिलेगा। सिर्फ नंबर को कैलकुलेशन करके लिख दीजिए। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, माइनस 7 प्लस माइनस 9, ये दोनों को सेम छोड़ के ये दोनों कैलकुलेशन करते हैं जो प्लस में है, माइनस 7 प्लस माइनस 9 16 प्लस 4 20, ठीक है। माइनस 7 प्लस माइनस, माइनस होता है 9 प्लस 20, ठीक है। माइनस 7 प्लस 20 से 9 माइनस करने से कितना होता है 11, 11 से 7 माइनस करने से कितना होता है 4, ठीक है। सो योर आंसर इज 4। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कर दिया है, थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन बचा है इतना तो आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कुछ भी नहीं करने से आप लोग तो सीखोगे नहीं, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, समझ में नहीं आता है, आंसर चाहिए, जो भी है कम्युनिकेट विद मी एंड आई ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, होपफुली आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।